नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र, आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में लखनऊ यूनिवर्सिटी के आपके ऑनलाइन काउंसलिंग संबंधी आपके जितने भी डाउट हैं, जितना भी कन्फ्यूजन है, उन सबको दूर करने का प्रयास करूंगा। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर दूंगा। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सभी को करना है, आपके चॉइस फिलिंग क्या है, उन सबको लेकर मैं जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सबके आंसर इस वीडियो में दूंगा। वीडियो आप अंत तक देखिए, देखने के बाद अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज वो सुन लीजिए, आपकी जो रजिस्ट्रेशन करने की और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है आपकी 22 सितंबर से। कल आप 22 सितंबर से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है 2 बजे से। वैसे 2 बजे मैंने चेक किया था आपकी स्टार्ट नहीं हुई थी, उसके बाद ही स्टार्ट हुई है आपकी 3 बजे के बाद ही। लेकिन अभी आप उसके साइट पर जाकर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वहाँ भी बताऊँगा आपको कैसे उसकी साइट पर जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, पूरा बताऊँगा उसके साइट पर ले जाकर। लास्ट डेट जो आपके रजिस्ट्रेशन करने की आपकी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आपको नोट कर लीजिएगा, 28 तारीख है। 28 सितंबर के बाद कोई भी व्यक्ति आपके रात में 12 बजे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करता, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन में करने का मतलब ये है सिर्फ आपको फीस पेमेंट करनी है, 1000 रुपये जो आपको एडवांस फीस है, और आपकी 200 रुपये जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको फीस पेमेंट करनी है। और आपके जो पहले आपके आईडी पासवर्ड है उसी के थ्रू करना, कुछ नया नहीं करना है। उसकी साइट पे जाएंगे और उसमें आप बैंक अकाउंट अपना चेंज कर सकते हैं, चाहे तो डिटेल्स उसकी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पहले जो वीडियो बनाया था आपका काउंसलिंग संबंधी कैसे होगी काउंसलिंग, उसको जाके एक बार देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब यही है, जो आपको पहले से आपकी डिटेल्स हैं उसको आपको भरना है। अपना पासवर्ड अगर आप भूल गए तो उसको फॉरगेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको फीस पेमेंट कर देनी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उसको देख लीजिए आप। चॉइस फिलिंग आप कब तक कर सकते हैं, 29 सितंबर तक रात में कर सकते हैं, 29 सितंबर तक रात में कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी चॉइस फिल नहीं किया तो आपका एडमिशन किसी भी आपकी ना किसी कॉलेज में होगा। इसके साथ में 68 कॉलेज हो रहे हैं मेन कैंपस, साथ में 68 कॉलेज में आपकी काउंसलिंग एक साथ हो रही है। तो आपके पास प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिस कॉलेज में पहले एडमिशन लेता हूँ उसको आप पहले प्रेफरेंस दीजिए। ऐसे सब्जेक्ट जब चॉइस करेंगे जिसको आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते उसको पहले नंबर प्रेफरेंस दीजिएगा। उसके बारे में बताऊंगा कहां से आपको चॉइस करनी है आगे, उसके साइट पर जाके बता दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। जो व्यक्ति काउंसलिंग में भाग ले रहा है सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब यही है कि आपकी जो 1000 रुपये फीस है और आपकी 200 रुपये जो आपकी 1200 रुपये आपको फीस पेमेंट करना है वो आपको पहले करिए। वो आपका एडवांस फीस जो 1000 रुपये और 200 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, जब आप वो पेमेंट कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रिया हो जाएगी। और चॉइस फिलिंग आपकी तब तक स्टार्ट होगी जब तक आप रजिस्ट्रेशन की आपकी फीस नहीं जमा होगी। उसी में एक ही उसमें जो पोर्टल है उसी से आपकी चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन सब उसी से होंगे, कोई अलग से नया फॉर्म नहीं भर रहा है आपके लिए। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जितने भी मेरिट लिस्ट में आपके नाम है सभी को आपको एडमिशन मिलेगा। देख लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आपने थोड़े से आपके नाम ज़्यादा ही दिए होंगे आपके मेरिट लिस्ट में, आपका वेटिंग लिस्ट का भी उसमें रखा जाएगा। जैसे ही कोई भी अगर एडमिशन नहीं लेता तो वेटिंग लिस्ट, इसलिए तो जितने भी नाम है सबको तो एडमिशन नहीं मिलेगा, सब चॉइस अपनी प्लेस फिल करेंगे आपका, उसके आधार पर आपको मिलेगा। अभी कुछ नहीं कहा सकता, मेन कैंपस में जितनी सीटें होंगी उतनी अलाउट की जाएंगी, उसके बाद बाकी अपडेटेड कॉलेज अलाउट की जाएंगी। तो जितने भी हैं सभी लोग उस काउंसलिंग में भाग लीजिएगा, और वही भाग लेंगे जिनका आपका उसमें मेरिट लिस्ट में नाम है, भाई सिर्फ भाग लेंगे इसमें, रजिस्ट्रेशन भाई करेंगे और चॉइस फिलिंग भी भाई करेंगे। तो सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। और लास्ट डेट इसकी ध्यान रखिएगा, और उससे पहले जो वीडियो बनाया उसको देख लीजिए, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, वो डिटेल से देखिएगा। और ये लास्ट डेट है, इसको ध्यान रखिए। तो चलिए अब चलते हम जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है उस पर देखते हैं कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी साइट में आपको ले जाके दिखाता हूँ। देखिए तो हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, इसी साइट में आपको आना है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके होम पेज पर, इस पे आगे आपको यहाँ देख लीजिए एडमिशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ पूरा। उसके बाद आपका जो कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम, तो इस पे आप क्लिक करेंगे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप उसको सर्च करना चाहते हैं सब कुछ आपको दिया हुआ, कितनी सीटें हैं आपके मेन कैंपस में, कितनी कॉलेज में, पूरी उसकी भी लिस्ट आपको है। इस पे आप सर्च करेंगे तो आप पूरी चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये देख लीजिए पोर्टल खुल चुका है। चलिए तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग पोर्टल। तो ये आपका ऑनलाइन जो काउंसलिंग हो रही है आपकी ऑफ कैंपस, उसके लिए पूरा पोर्टल है, नया पेज खुला है, देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया है उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ काउंसलिंग पोर्टल, यहाँ क्लिक करेंगे उस पर आप। और बाकी इसके डिटेल्स के लिए नीचे की तरफ आप जा सकते हैं, जो भी आप डिटेल्स लेना चाहते हैं काफ़ी डिटेल्स आपकी गाइडलाइन भी, और यहाँ सर्च करेंगे तो आपको सीट भी मिल जाएगी कितनी है आपकी, देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिटेल ऑफ सीट्स इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड कॉलेज इन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इसमें आर्ट्स की मिलेंगी, बाकी अभी सर्च करेंगे तो अन सभी की आपकी मिल जाएगी। सीट्स आप यहाँ से देख सकते हैं आपके किस कॉलेज में आपकी और मेन कैंपस आपकी कितनी सीटें हैं। बीए वाले चॉइस फिलिंग थोड़ी अलग होगी, उसमें आपको बीए ऑनर्स और बीए में पहले फिल करना होगा, उसके बाद आपके 3 सब्जेक्ट आपको फिल करने पड़ेंगे, और उसका आप जो प्रॉस्पेक्ट है उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करना है उसकी प्रक्रिया सबकी सेम ही है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर आपने एक से अधिक कोर्सों में अप्लाई किया है
तो आपको सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग अलग फीस सबमिट करनी होगी और आपके लिए अलग अलग उसकी एडवांस फीस भी सबमिट करनी होगी। एक कोर्स के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, दो कोर्स के लिए दो बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, सबके लिए अलग अलग फीस और अलग अलग आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए तो यहाँ क्लिक कर लीजिए आप। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लिए, अब देख सकते हैं आप, फिर से देखिए नया पेज खुला है, नीचे की तरफ आएंगे, देख लीजिए जो काउंसलिंग गाइडलाइंस है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे देख लीजिए लॉग इन फॉर च्वाइस हियर, तो यहाँ पर आप च्वाइस के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आपका एक ही, इसमें जब आप पहले रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसी जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो उसमें आप च्वाइस कर सकते हैं। ये आप कल से स्टार्ट हो चुका है। आगे देख लीजिए आप और कोई जानकारी लेना चाहते हैं आपके यूजी की, तो यहाँ क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके लॉग इन फॉर च्वाइस, क्लिक हियर, देख लीजिए फिर एक नया पेज खुलेगा, देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए आपको ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग गाइडलाइंस, जो मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था उसको देख लीजिए, वही करें, उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, अपना पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद आपको अपना कैप्चा अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपको अपना लॉगिन कर देना है। कैप्चा में यहाँ पे आपको जो अंक है इनको जोड़ के बता देना है कितना है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन, पहले आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगी जो आपको पहले किया होगा, पासवर्ड आपको डालना है और कैप्चा डालना है, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, पासवर्ड भूल गए, तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड दिया हुआ है, तो पासवर्ड भी अपना आप रिकवर कर सकते हैं, तो पासवर्ड भी आप रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया आएगी, उसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल शो करेगी, अगर आप उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर दीजिए, अपना अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो अपना कर दीजिए, अगर किसी और का ऐड उसमें आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडवांस फीस जो 1000 रुपये वो पे करनी पड़ेगी, और आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपको 200 रुपये वो पे करनी पड़ेगी, तो 1200 रुपये आप फीस करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के आपके ऑप्शन खुल जाएंगे, चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आपके रजिस्ट्रेशन करने से पहले नहीं खुलेंगे, तो इसी के माध्यम से आपको चॉइस फिल करनी है। लास्ट डेट देख लीजिए आपके रजिस्ट्रेशन करने की 28 तारीख रखेगी, 28 सितंबर, उससे पहले पहले सभी छात्र कर लें। और आपकी चॉइस फिलिंग की आपकी 29 तारीख है। चॉइस फिल करने से पहले आप सेव कर सकते हैं आप, और एक से अधिक बार अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं चॉइस फिल पहले नंबर पर उसको रखिएगा जो आपको चाहिए सबसे पहले, उसके बाद अपना प्रेफरेंस घटा सकते हैं। ऐसे ही मेन कैंपस के लिए पहले रखिएगा, उसके बाद अदर कॉलेज उनके लिए रखेगा। अगर आप अदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको पहले रखिएगा, मेन कैंपस में नहीं लेना चाहते तो उसको बाद में रखिएगा। जिसकी रैंक बहुत ज़्यादा है, लिस्ट में नाम सबसे ज़्यादा है, जिसकी रैंक ज़्यादा है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करेंगे, मतलब लोअर रैंक वाले जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी, जिससे कि उनको किसी ना किसी कॉलेज या किसी कोई ना कोई सब्जेक्ट को मिल जाए। तो ये पूरी जानकारी थी। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए आप, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के आपकी काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं उनको बता दीजिए कैसे काउंसलिंग पूरी आपकी होनी है। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना था, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन इसके बाद ही खुलेगा जब आप फीस पेमेंट कर देंगे, तो मैं उसको आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि फीस पेमेंट जब करनी पड़ेगी या रजिस्ट्रेशन नंबर हो पासवर्ड हो तो मैं किसी को बता सकता हूं, किसी ने किया हो तो ठीक है। तो अच्छे से आप करिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, बाकी वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे कोई भी किसी को डाउट ना रहे और सभी अपनी काउंसलिंग अच्छे से कर सके। अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक भी करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।